गाइस, इस कंपनी के दलदल में बहुत सारे स्टूडेंट फंस चुके हैं और बहुत सारे यूट्यूबर इस कंपनी को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, अपने अपने अंदाज में स्टूडेंट को लुभावना अंदाज दिखा के उनपे एप्लीकेशन फॉर्म डलवा लेते हैं और फिर स्टूडेंट जो है 800-900 हज़ार रुपये गवा देता है। तो आज हम इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। गाइज, ये कंपनी है BPL, जो कि जयपुर में है, राजस्थान में, भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड। स्टार्टिंग में मैंने भी वीडियो बनाई, लेकिन जब मैंने रिसर्च किया तो पता चला बीच में कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो मैं सभी चीजों के बारे में अब आपको बताऊंगा और आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं वो भी आपको बताऊंगा। इवन जब भी नोटिफिकेशन आता है मैं इसके अगेंस्ट ही वीडियो बनाता हूँ, इसके फेवर में कभी मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। आपने पहले भी वीडियो देखी होगी, इवन अभी भी कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? वो चीजें सुन लेना तो आप अप्लाई ही नहीं करोगे। देखो भाई, कंपनी तो ये रजिस्टर है, कहाँ पे है? MCA में है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन अफेयर। क्योंकि जो कंपनी प्राइवेट कंपनी है या लिमिटेड कंपनी है, इंडिया में अगर वो रन करना चाहेगी या इंडिया में काम करना चाहेगी तो आपको इस पोर्टल पे अपडेट करना है। और भाई, इसका कैपिटल है ओनली 1 लाख रुपीज, ठीक है? इतना इसका कैपिटल है। भाई ये काम क्या करते हैं, देखो कंपनी रजिस्टर तो बिल्कुल ओरिजिनल है, ओरिजिनल कंपनी रजिस्टर है, लेकिन भाई ऐसा तो नहीं कि सही कपड़े पहनने वाला आदमी चोर नहीं हो सकता। तो ये वो काम करती है, कपड़े बिल्कुल क्लीन है, सही है, लेकिन चोर है। भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड, पहली बात स्ट्रेटेजी में नाम ऐसा, सब स्टूडेंट जो है अट्रैक्टिव हो जाएंगे, फॉर्म अप्लाई करेंगे, ठीक है? और जब से मैंने इनके अगेंस्ट वीडियो बनानी शुरू की, इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में बहुत सारे इजाफे किए। इजाफा नंबर वन, यानी इसमें कुछ चेंजेस किए लोगों ने। नंबर वन, सैलरी। पहली बार देख रहा हूं इतनी सैलरी 10वीं पास को मिलती है, 37,500। MTS में भी 10वीं पास की स्टार्टिंग सैलरी बताओ कितनी है? मुश्किल से 25,000 के आसपास MTS की वैकेंसीज में, वो भी सारे अलाउंसेस काटने के बाद गवर्नमेंट अंडर पे रोल पर। इतने पहली बार देख रहा हूं आपको 37,500 10वीं पास वालों के मिलेंगे, ठीक है? मैंने इनके अगेंस्ट वीडियो बनाई तो सैलरी में इन्होंने क्या किया, स्टूडेंट जो है अभी जो है अवेयर हो चुका था, फिर इन्हें सैलरी बढ़ा दी, तो इसलिए आपको लगता है गवर्नमेंट जो है सैलरी अच्छी खासी मिली, अप्लाई कर देगा, ठीक है? दूसरी बात, टाइम लिमिट। मतलब कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये काम भी किया कि जो नोटिफिकेशन निकलता है वो ओनली 1 वीक के लिए नोटिफिकेशन निकलता है, ज्यादा देर तक नोटिफिकेशन अपडेट नहीं रहता है, ठीक है? पहले क्या था, 2-2 महीने तक नोटिफिकेशन रहता था। और मैंने तो भाई इनके अगेंस्ट पूरी वीडियो बनानी शुरू कर दी, इवन मेरे पूरे यूट्यूब चैनल पे 100 वीडियो इनके अगेंस्ट होगी। इवन बहुत सारी ऐसी फ्रॉड कंपनी है, ये इनके अगेंस्ट ही मेरी वीडियो रहती है, ठीक है? केंद्र प्रभारी 43,500, 12+3 यानी ग्रेजुएशन पास, ठीक है? केंद्र विस्तार अधिकारी 40,500, 12th पास। कौन देगा भाई? कोई नहीं देगा भाई, गवर्नमेंट भी इतना पेरोल नहीं। केंद्र सहायक 37,500, 10th पास। कौन देगा भाई? कोई नहीं देगा। अब डीडी लिखा अप्रोक्स 900 रुपीज, और आप दूसरे फॉर्म को भरोगे उसमें भी करीबन 800 कुछ रुपए लिए आपसे ले लेगा, ठीक है? 700-800 के बीच में कुछ पेमेंट ले लेगा, ठीक है? ऑनलाइन एग्जाम लेगा जो कि बिल्कुल फ्री है, ठीक है? फ्री कॉस्ट होता है। मैं जीमेल पर अपनी सारी चीजें सेट कर दू और मैं आपका एग्जाम ले लू 800-800 रुपए लेकर, ऑनलाइन घर बैठे आपको पास कर दू। फेल भी करते भाई, दिखाना भी तो है, फेल भी करते हैं, ट्रेनिंग भी करवाएंगे, सारा काम करवाएंगे। ये आपने सुना है कभी कि तीन को जोड़ो, मतलब कि चैन वाला सर्किल, नेटवर्क मार्केटिंग सबसे बड़ा खेल ये है। फॉर्म भरवा के आपसे, गवर्नमेंट का फॉर्म भरवा के आपसे नेटवर्क मार्केटिंग करा रही। इनके जो है मिल्क प्रोडक्ट है, पशुपालन मतलब पशु के लिए आहार, मिल्क ऐसे कुछ प्रोडक्ट है, उनपे घर घर जाके आपको बेचना है। इवन यार तंग आके आप 1 महीना जॉब छोड़ दोगे, ऐसे यार नहीं मिलेगी भाई सैलरी इतनी, कमीशन भी इस चीजें यार बहुत सर, जो चीजें दिखती है वो होती नहीं है नोटिफिकेशन में। इवन जब आप इसका पूरा नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप किसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सारे फर्स्ट चीज पहली बात ये थी, सारा काम जीमेल पर होता है, जीमेल पर कोई भी आपके साथ फ्रॉड कर सकता है, gmail.com से होता है। ऑनलाइन एग्जाम होता है, 800 रुपये आप देते हो, किस चीज के देते हो भाई? एग्जाम देने के लिए दे दो, या ऑनलाइन घर बैठ के जीमेल पे आप 40-50 क्वेश्चन के एग्जाम दे दो भाई, उसके लिए करोड़ों का सर्वर मॉनिटर होता है। देखो
एसएससी जब एग्जाम लेती है तो वो भी एक प्राइवेट अथॉरिटी को कांटेक्ट देती है। इतना इजी नहीं है स्टूडेंट के एग्जाम लेने, अरबों खरबों रुपए यहाँ पे खर्च होते हैं, पूरे सर्वर पैनल लगते हैं, पूरी चीजें मॉनिटर होती है जब जाके एग्जाम लिया जाता है। जैसे कि टाटा कंसल्टेंसी कंपनी है वो एग्जाम लेती है, टाटा एग्जाम लेती है, तो कॉन्ट्रैक्ट छूटते हैं इनके, यूपी गवर्नमेंट के भी कॉन्ट्रैक्ट छूटते हैं। तो भाई ये क्या करते हैं, ये फॉर्म ले लेते हैं, ये ऑनलाइन एग्जाम ले लेते हैं, घर बैठ के 50 क्वेश्चन दे दिए, वो सब दे दिए, क्योंकि भाई बस की नहीं है इनके कि ये एग्जाम आपका ऑफलाइन ले। भाई पैसा कहाँ से आएगा, पैसा तो दबाना है ना, कर्ज थोड़ा करना है, पैसा दबाना है, ठीक है। और भाई ये बोलते हैं कि कैमरा मॉनिटर होता है, कुछ नहीं मॉनिटर होता। आप 4 लड़के एक साथ बैठ के एग्जाम दे लो, मैं गारंटी लेता हूँ कुछ नहीं होगा। पेपर पेन ले लो, आप नकल उतार लो, चीट कर लो, इनके एग्जाम में कुछ नहीं होगा, कोई मॉनिटर नहीं होता। बस एक कैमरे की जो लाइट होती है ना ऊपर, बिलिंग लाइट, वो ऑन रहती है, बस कैमरा ऑन रहता है। ये एक सॉफ्टवेयर का एक है एक्सेस जो इन्होंने लगा रखा है, तो वो सब चीज रही। तो भाई पहली बात कंपनी ठीक ठाक है, ठीक है, और भाई कंपनी में अप्लाई करना चाहते हो तो अपने रिस्क पे है, ठीक है। फ्रॉड तो नहीं बोलूंगा, कंपनी एमसीए पे रजिस्टर, क्योंकि बीच में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, पहले वीडियो भी मैं बना चुका हूँ, वो आप देख लो। तो मेरे हिसाब से मैं एक सजेशन दू, अप्लाई ना करो, 1000-1200 रुपया बचा लो तो भाई सबसे अच्छा है। और थैंक यू।